बकरा है, ठीक ना। और इस बकरे की कीमत लगभग वो बता रहे 60 से 90 हज़ार तक चली जाती है इनके बकरों की कीमत। और ये बकरी कुछ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। गुड मॉर्निंग, ऐसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है क्योंकि ऑफिस बहुत लेट हो चुकी है, नून हो चुकी है, पर फिर भी हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं बल्ली की रोड पे, रामड़ी रोड पे, उधर ज़रा हम कुछ देखेंगे जो वहाँ बकरी पालक आ रखे हैं, भेड़ पालक जो होते हैं। और अगर दिख गया तो बीच में हाथी भी दिख सकते हैं, जैसे परसों बीच रोड पे हमें हाथी दिख गया था। तो हमें हर टर्न पे देख देख के चलना पड़ता है, ठीक ना, कि कहाँ पे हाथी निकल जाए। बाकी अभी तो खैर अभी दो मोड़ तक कम चांस होते हैं, वैसे ऐसे बोलने वाली बात नहीं। हाथी तो यहीं पे इतने होते कि घेर घेर के मारते हैं, ठीक ना। यहीं पे मुझे वो संडे को हाथी दिख गए, ठीक ना, यहाँ हाथी यहाँ हाथी। खैर वो हाथी नहीं है, कोई बैठा हुआ है जीवन साथी। तो अभी इसके मतलब ऊपर चलते हैं, लेट हो गया हम बहुत ज़्यादा, देखते क्या होता है। मुझे लग रहा है पंचर वाले ने सही पंचर नहीं बनाया, मैं इसलिए पंचर बनवाने एक ही के पास जाता हूँ, ट्यूबलेस गुरुद्वार में एक ही बढ़िया। मुझे पता नहीं क्यों लग रही, फिर भी उसमें हवा निकल रही। गौरव खिलाया और यहीं पे हमारे गाड़ी का जो है यहाँ पे साइड लगा के कहीं से नीचे चलते, इधर से जाना हमने नीचे। तो यहाँ पूरी जगह पे यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, पहले ये देख लेते यहाँ हाथी ना हो, हाथी होगा तो दिक्कत होगी। ये हाथियों ने तो नहीं तोड़े, रुको इसे थोड़ी और साइड देते हैं क्योंकि हाथियों का कुछ पता नहीं रहता। इधर इधर करे या इधर करे, गाड़ी को खड़ी किधर करे ओपन है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे, आशीष जो है बहुत ही आगे चल रहे हैं, ठीक ना। आशीष एक मिनट, हाँ ये बैग जो है ना इसे रख देते, ये रास्ता है पर इधर भैंस का भी रास्ता है, इधर चेक करना पड़ेंगे तेंदुए के पैर के निशान है कि नहीं, ठीक ना। और पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इधर है कि नहीं भेड़ पालक बच्चे हैं या निकल गए, क्योंकि यहाँ पे बकरियों के पैर के निशान तो ये गए। और ये तेंदुए के निशान है, ये देखो तेंदुए के पैर के निशान है, तो तेंदुआ इन्हें ही फॉलो करता है। अब बहुत बड़े हैं वो, इसलिए ये जो है ये भी इसे पहचान नहीं पा रहे। ये बताओ क्या बोल देते हो उसे, ठीक ना। ये जो है इससे जो है तेंदुए को इन्होंने चीता बोल दिया, जबकि चीता यहाँ है नहीं। ये कह रहे थे कि बहुत लंबा है, ठीक ना। ठीक ना, तो ये कल जब बकरियाँ वापस गई होंगी तो उसके बाद यहाँ तेंदुआ आया था रात में, ठीक ना। तो हम भी इधर चलते हैं, इधर 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 से चलना पड़ेगा जो है, इधर से चलना है। हाँ रास्ता ये है, और यहाँ से ऐसे जंगल में रहते हैं, देख के आते हैं क्या है। हम बचपन में जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे गांव के साइड से निकलती थी भेड़ बकरियाँ इनकी, तो हम देखने के लिए खुश होते थे। ये बरगद का पेड़ है, और इस बरगद की पता नहीं एज क्या है, पर काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ ख़त्म हो चुकी है, जो नई जड़ें बनती हैं उसी जड़ों से बरगद का पेड़ बना है। अब इसकी जो एक्चुअल में मूल जड़ है वो सड़ के ख़त्म हो गई है, इसमें वो जड़ें हैं जो आती हैं, और बल्कि ये इस बरसात में टूटो वो भी है मूल जड़। तो यहाँ जो है वैसे आजकल तो यहाँ बकरी पालक है तो हाथियों की डर नहीं, घोड़े इधर ही चल रहे, और नहीं तो जो है क्या बोलते हैं घोड़े
घोड़े जो है वैसे होते हैं, मतलब इधर घोड़े चल रहे तो बकरी पालक भी यही है, तो हाथियों का डर नहीं है। नहीं तो यहाँ हाथी रहते हैं, ऐसा आना मुश्किल नामुमकिन। जिन्हें चलने की आदत नहीं है उन्हें दिक्कत होगी, ठीक ना। इधर घोड़े इधर चुग रहे हैं। परसों जब गए थे हम संडे को, तो ये तो इनके तो खैर भोटिया कुत्ते नहीं है, पर वो तेंदुआ अब इधर है कि नहीं, इधर से वो फिर वो उधर से आया होगा ना, इधर उसके पैर के निशान नहीं है, उसके पैर के निशान बताऊँ कहाँ से, वहाँ तक तो थे उसके। अब वो इन्हीं का पीछा करता है जो है ना, बकरियों का पीछा करता है। ओ हो सकता है कि इन्हीं के साथ आया हूँ। ये यहाँ पे से ये देखो इतना घना जंगल है, और जंगल घना होने के साथ साथ यहाँ पे ये खतरनाक रास्ता है, इतने घने जंगल के बीच में जाए ना। हाँ, यहाँ पे ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं लोग, जैसे कि लोग बिना बर्गर पिज्ज़ा या फास्ट फूड के नहीं रह पाते, और ये लोग भी अपना जीवन यापन करते हैं। रातों में कैसे रहते होंगे, ठीक ना। आजकल खैर हम तो कहीं भी फिट हो जाते हैं, ये भी गढ़वाल से, ठीक ना, और हम तो कहीं भी फिट हो लेते, लेकिन बाहर के देसी लोग तो बिल्कुल भी कहीं फिट नहीं होते। यहाँ पे लकड़ी उकड़ी जलाने के लिए उन्होंने इकट्ठी की रहती है सूखी लकड़ियाँ, और यहाँ से दिखाते हैं। रुको आशीष, रुको एक मिनट, पहले मैं एंटर होता हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं नीचे। ये आशीष ने क्या डाल दिया रे, तो यहाँ से ये आ गए हम उनके डेरे में आ गए, और डेरे में आते हुए यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता फिसल भी सकते हैं, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये है बड़ी बड़ी बकरियाँ, ये बकरियाँ होती, भेड़ा बकरी में अंतर होते, पर इन पे बाल बड़े होते क्योंकि ठंडे इलाकों की होते, इसलिए। और मुझे लग रहा है इस गलत तरीके से उतर रहे। तो अब यहाँ से आशीष पकड़ेंगे कैमरा और आशीष करेंगे ऊंचाई से शूट, है ना आशीष। ये आ गए कुत्ते लेटे हुए, अगर बातचीत कर दो इनसे तो कुत्तों को कोई असर नहीं होता जब तक इन्हें ना पकड़ो, ठीक ना। और भाई साहब मजे में उस दिन से, हाथी नहीं है उस दिन के बाद इधर ना, हाथी नहीं है तो आए तो थे ऊपर को, तो आए थे हाथी, वो नीचे चले गए थे, फिर नीचे चले गए थे। हाँ। अब वो कहाँ गए दूसरे वाले जो जिनका नंबर लिया था? पहले गुजरा तो लड़ाई तो हो जाएगी।
यहाँ पे हम आ रखे हैं भेड़ पालकों के डेरे में आ रखे हैं। और ये जो है चमोली गढ़वाल से आ रखे। होता क्या है कि जब ऊपर बर्फ गिरने लग जाती है तो उधर घास के मैदान जो बुग्याल बोलते हैं हम लोग जिनको पढ़ते हैं बुग्याल पढ़ते हैं तो लगभग ढक जाते हैं या उन जगहों पे ज़्यादा सर्दी हो जाती है, घास ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ से ये माइग्रेट होके विस्थापन होके नीचे आ जाते हैं पहाड़ी एरिया से प्लेन्स में आ जाते और कब चलना शुरू करते अगस्त 15 के बाद। अच्छा, 15 अगस्त के बाद चलना शुरू करते और उसके बाद फिर यहाँ से कब जाना शुरू करते हो? यहाँ से हम मार्च फर्स्ट को। अच्छा, मार्च फर्स्ट में। तो अगस्त जैसे बता रहे हैं कि अगस्त फर्स्ट में से जाना हम शुरू करते आते हैं 15 अगस्त से और लगभग वहाँ घास ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब बर्फ़ पिघल जाती है तो बर्फ़ पिघलने के बाद गर्मियों में वहाँ नई घास आती है और उस घास के लिए फिर बकरियां वहीं चली जाती है। बकरियां इसमें और भेड़ होती है। भेड़ जैसे कि सबसे बड़ी मात्रा जो होती है विश्व भर में ऊन के लिए किया जाता है, लगभग बहुत सारी कंट्रियां करती है। भारत का भी तीसरे से छठवें नंबर पे आता है इसमें जो ऊन के उसमें। और लगभग 450 करोड़ रुपये का ये आर्थिक उत्पाद करती है भेड़ें जो हमारे देश को देते हैं, भारत को लगभग इतना आर्थिक उत्पाद देते हैं। ये मोस्टली ऊन और मांस उत्पादन के लिए की जाती है। इनकी एज वैसे 20 तक बताई जाती है लेकिन 12-13 के बाद डीम अकाउंट हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो इन पे ऊन भी होना कम हो जाता है। और उसके अलावा जो है ऊन के अलावा जैसे बच्चे देने बंद कर देते हैं तो उसके बाद ये इन्हें क्या करते हैं कि बेच देते जाता है। अब इनका ये तो चमोली गढ़वाल से आए, यहाँ पे जो नीचे बड़े बाड़े होते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग बताता हूँ या फॉरेन कंट्रियों में जो होते हैं। तो एक्चुअल में ये अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादातर चीज़ें अपने आप बताएंगे कि कैसे। पहले तो ये बताएं कि इन भेड़ों का नाम क्या बताएं, क्योंकि जो ये आते हैं हमारे पंजाब हिमाचल या ये इस हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ये दो भेड़े आती हैं। इसमें एक गद्दी जाति की होती है और एक रामपुर बुसर नाम से आती है। तो इनमें से खैर इन लोगों को पता नहीं होगी अलग अलग ब्रीड की होती है, काफ़ी अलग अलग ब्रीड होती है। जैसे फॉरेन में कुछ बिल्कुल एकदम वाइट वाली होती है उनकी अलग ऊन बनती है, तो हर भेड़ की अलग अलग क्वालिटी होती है। खैर भाई लोगों को नहीं पता होगा इतना तो कोई नहीं, वो फिर भी अपनी पहले वो बताएंगे कि क्या चीज़ है। आप बताओ कि क्या क्या चीज़ है, बेसिकली क्या चीज़ है हमारा पकड़। बेसिकली यही है कि हमारा जो है कि दिनचर्या ऐसे चलता है कि 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे, पूरे साल में 3 महीने भाबर 3 महीने बॉर्डर पे बुग्यालों में अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारा यही होता है कि कल यहाँ परसों वहाँ चलते रहते हैं, केवल 3 महीने का ठिकाना होता है इधर भाबर साइड में और 3 महीने का जो परमानेंट ठिकाना होता है वो ऊपर में होता है बुग्याल में। बाकी हमारा एक एक दो दो दिन का डेरा होता है, जैसे कि चलते रहते हैं। लंबा रास्ता होता है हमारा, जहाँ जोशीमठ से हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पहुँचने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं हमें, फिर 3 महीने हमें यहीं रुकना पड़ता है, फिर यहाँ से फिर जोशीमठ के लिए फिर वही 3 महीने का रास्ता पड़ जाता है। और जैसे वहाँ ठंड पड़ जाती है तो हम लोग नीचे को, जैसे यहाँ से गर्मी स्टार्ट हो जाती है हम लोग अपने ऊपर जहाँ पर अपना स्थान है वहाँ चले जाते हैं धीरे धीरे करके एक एक दिन। और इनकी ऊन निकालने की क्या प्रोसेस है? तो हम लोग हाथी से निकालते हैं, कहीं कहीं जगह क्या है कि मशीन से निकालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकाल पाते मशीन का, यहाँ कोई वो नहीं है जिससे कि मशीन अवेलेबल हो। और हम लोग हाथी से निकालते हैं, कभी जो सर्दियों का ऊन होता है उसे 4 महीने में निकालते हैं, जो ऊपर चौमास का ऊन होता है उसे 8 महीने में निकाला जाता है। इसका कोई कारण 4 महीने 8 महीने ऐसा क्यों? 8 महीने में यह है कि वहाँ पर बुग्याल है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा है ऊपर को, इसलिए वहाँ पर लेट तक वैसे ही रहता है और जब नीचे आ जाते हैं तब निकालते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है कि
इनके ऊपर मिट्टी धूल मिट्टी जम जाती है और इनका जो बदन हो जाता है वो भारी हो जाता है, इन्हें चुगने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें इन्हें 4 महीने में काटना पड़ता है। ये घासों की वजह से कूड़ा हो गया और ये अन्य प्रकार की घासें होती जो इस पर चिपक जाती है, ये खिल नहीं पाते, कांटे होते हैं। हाँ, कांटे कूटे होते हैं। बस ये बैठा हुआ है, खड़ा हुआ मतलब। जो ये काले कलर का दिख रहा है ये बकरा है, ठीक ना। और इस बकरे की कीमत लगभग वो बता रहे 60 से 90 हज़ार तक चली जाती है इनके बकरों की कीमत। ये बल मोस्टली बल हिमाचल या मुंबई से जो आते हैं वो ले जाते हैं। और इसकी एज अभी 4 साल है, 4 साल का है। ऐसे वो कह रहे थे मात्र बकरे जो है 5 ही रखे हुए जो ब्रीडिंग के लिए रखे जाते, बाकी सभी इसमें बकरियाँ ही है, फीमेल है तो मेल कम ही रखे जाते और मेल बेच दिए जाते। इनकी एज मोस्टली जो है 20 साल तक जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और 12 साल के बाद जो है लगभग ये बूढ़े के कगार पे चले जाते हैं 14-15 साल में, और लगभग ये 8 साल में बेच देते होंगे, 6 से 8 है ना। हाँ, 10 साल। हाँ, 10 साल पे लगभग बेच देते इन्हें जो है। और ये बहुत ही छोटा बच्चा हमारे पीछे बैठा हुआ काला वाला अब बनाओ इसकी वीडियो, अब कूद ले तो उसे मस्त करके। वो उधर ही कैमरा उधर ही है। कितने दिन का? अभी 2 दिन का, 2-3 दिन, 2-3 दिन का ना। और ये बकरी कुछ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ये बकरी के बच्चे इसलिए यहाँ डाले जा रहे। बकरियाँ वहाँ घास सूखने जाएंगे तो इसके नीचे बच्चों को डाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते जो चल नहीं पाते। और बकरी और भेड़ के बच्चों को उठा के यहाँ पे डाला जा रहा है सभी को, ताकि ये जंगल में खो न जाए, इसके अंदर ये घुसे। थोड़े आगे चलिए, आगे बैठे दे रहे वही पे जाते। और तब जब वो होते होंगे ना तो छोड़ देते होंगे। हाँ, जैसे यहाँ चले जाएंगे ना। हाँ, तब ये कूदते रहते इधर। एक बकरी हो गया इसी बार में। क्या अरे है भाई, ये अभी बिहार रखे होगी ना। Yeah.
ये बकरे आप चरने के लिए जा रही हैं। बकरियां अलग और भेड़ अलग भी जा रही है।